यमुनानगर जिले में बिना सिक्योरिटी गार्ड एटीएम चोरों के निशाने पर है। देर रात ससोली रोड पर स्थित टाटा इंडिकैश के एटीएम को आधी रात के समय कुछ चोरों ने घुसकर एटीएम की मशीन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम का अलार्म बजने के कारण वो उसे बीच में छोड़कर मौके से भाग गए। जाते समय एटीएम में लगे सीसी कैमरे को भी तोड़ गए। सुबह के समय जब लोग सैर करने के लिए निकले तो उन्हें देखा कि एटीएम का शटर टूटा हुआ था। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में दी। उसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। फर्कपुर थाने से पहुंचे थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि चोरों के द्वारा एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई। जैसे ही चोरों ने एटीएम को नीचे से तोड़ने की कोशिश की तो वहां पर लगा अलार्म बजने लगे, जिस पर चोर बीच में छोड़कर भाग गए। चोर कैश ले जाने में कामयाब नहीं हो सके, मगर वह एटीएम को नुकसान करके जरूर चले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांधीनगर से सूचना मिली कि ससोली रोड पे कोई एटीएम है, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई है। और जैसे सूचना हमारे पास मिली, हम मौके पर पहुंचे। मौके पर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सोमनाथ ने हाजिर मिले, जिन्होंने मौके को दिखाया और मौके पर हमने एग्जामिन किया। अभी तक जिस कंपनी का ये एटीएम है, अभी तक वो कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुँचे। हमने जो पर इसको चेक किया, एग्जामिन कर लिया, हमने उसकी रिपोर्ट हमारी कार्रवाई जारी है। पुलिस केस रजिस्टर करके अगली कार्रवाई करें।